हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विद। आज कोई मैं टेक न्यूज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आज फिर से अपनी प्राइवेसी की सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो हमेशा प्राइवेसी सिक्योरिटी के बारे में ये क्यों बात करता है, तो मैं कुछ रीजंस आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट खोल चुके हो, आप अपना पासवर्ड उसके अंदर डाल रहे हो और पासवर्ड डालने के बाद आपको लग रहा है कि यार पासवर्ड तो गलत है। आपने सोचा कि चलो मेरे से गलत एंटर हो गया, आपने फिर से एंटर करा, फिर आपको फिर से वही मैसेज आया कि आपका पासवर्ड जो आपने एंटर किया वो गलत है। फिर आपने पासवर्ड रीसेट किया, आपके मोबाइल पे आप अभी राह देख रहे हो कि SMS आएगा, मैं OTP डालूंगा और मेरा पासवर्ड रीसेट कर लूँगा, और वो SMS कभी भी आता नहीं है। अब बताओ आप क्या करोगे। इसे कहते हैं सिम स्वैप, जो कि ट्विटर के CEO का ऑलरेडी हो चुका है। सो वो ट्विटर के CEO थे, इसलिए उनका अकाउंट रिकवर भी हो गया। आपका क्या होगा? ये थी सिम स्वैप के बारे में बात। अभी इन फ्रॉड से बचा कैसे जाए? पहली चीज़, आपको कोई भी फ़ोन या SMS का जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है, यस और नो में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, अपना फ़ोन किसी पराए आदमी के हाथ में बिल्कुल भी मत देना, कि जो आदमी ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है। सो अभी बात करते हैं कि हमारी प्राइवेसी एक्चुअली है क्या। मैं आपको बोलता हूँ, प्राइवेसी की सिक्योरिटी की जो लॉज होती है उनको ब्रेक करने के जुर्म में फेसबुक ने वो सारे चीज़ें सेटल करने के लिए पे किए थे 5 बिलियन डॉलर्स पे किए थे। साथ में फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी वही सेम चीज़ करी थी, तो उन्होंने भी 5 बिलियन डॉलर्स पे किए थे। 5 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। साथ में इक्विफैक्स क्रेडिट कंपनी जो है, जो कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर बताती है, उन्होंने अपने कस्टमर्स के कुछ डिटेल्स लीक किए थे, उन्होंने पे किए थे 700 मिलियन डॉलर्स। गूगल ने पे किए 170 मिलियन डॉलर्स और टिकटॉक ने पे किए 5.7 मिलियन डॉलर्स। अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। चलिए छोड़िए, इसका कन्वर्जन वर्वर्जन सब छोड़िए, मैं आपके लिए करके देता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है जो फेसबुक यूज़ करता है, सो फेसबुक उसका बिहेवियर ट्रैक करेगा और बाकी कंपनियों को देगा। तो ये चीज़ अगर आपको फिर भी अगर इसके बारे में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, तो इंटरनेट पर जाके रिसर्च कर लेना, हाउ फेसबुक ट्रैक्स योर बिहेवियर एंड हाउ इट यूज़। सो इतना आप रिसर्च कर लेना नेट पे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं थोड़ा आपको उसके आगे जाके डिटेल में बताता हूँ। फेसबुक अगर एक आदमी को ट्रैक करता है पर ईयर, तो ऑन एन एवरेज एक आदमी का जो वैल्यूएशन होता है उसका पूरे साल का, एक नॉर्थ अमेरिकन का जो वैल्यू है वो 2100 रुपये, जो नॉर्थ अमेरिकन नागरिक है उसकी वैल्यूएशन है 2100 रुपये। सो आप एक काम कर लो, छोड़ो इंडिया के अंदर थोड़ा GDP कम है, तो आप ऐसे मान के चलो कि इंडियन आदमी का फेसबुक का बिहेवियर ट्रैक करना, मतलब फेसबुक कंपनी एक साल का एक आदमी के पीछे कमा रही है 1000 रुपये। सिर्फ 1000 के बारे में बात करेंगे हम। सो 1000 रुपये अगर कमा रही है, इंडिया के अंदर फेसबुक यूज़ करने वाले लोग हैं 24 करोड़ 10 लाख एक्टिव यूजर्स ऑफ फेसबुक। अब 24 करोड़ 10 लाख इंटू आप 1000 रुपये कर लो, क्या होता है फिगर, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब आपको आपकी प्राइवेसी की कीमत समझ में आएगी। अब जब आपको आपकी प्राइवेसी की कीमत समझ आ चुकी है, तो मुझे बताइए कि आप अपनी प्राइवेसी कैसे सिक्योर रखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।